हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अच्छे खासे गेन के साथ, लगभग 300 प्लस पॉइंट के गेन के साथ, लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है, 17,322 पे है। अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो हमने सुपर ट्रेंड और लगभग 20 मंथ का जो एवरेज था उसके अराउंड सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हाई वोलेटिलिटी रहेंगी मार्केट में, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। इस महीने का जो लो था वो लगभग था 15,700 के अराउंड, हाई था लगभग, अभी हाई पे चल रहा है मार्केट, तो हाई था लगभग 17,400। तो आप देख सकते हो कि लगभग हम जो है तो वो 1300 और ये लगभग 1700 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक। तो ये रेंज दिखाती है कि कितनी वोलेटिलिटी है मार्केट में। तो इतना इजी नहीं होगा ट्रेड करना, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका था। मगर अभी यहाँ मंथली चार्ट पे जो पिक्चर दिख रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है बुल्स के लिए, क्योंकि यहाँ एक अच्छा खासा रिवर्सल दिख रहा है। अगर ये कंटिन्यू होता है अगले महीने तो हम जो है तो ऊपर के 18,500 और उसके ऊपर के भी लेवल देख सकते हैं। तो यहाँ अगर ये सस्टेन होता है तो 18,500, उसके बाद में 19,600 और लगभग 21,500, ये लॉन्गर टर्म टारगेट रहेंगे निफ्टी पे। अभी फिलहाल ये जो है तो ये अच्छा खासा एक बाउंस बैक की तरह लग रहा है। अभी यहाँ देखना होगा कि निफ्टी जो है तो आगे सस्टेन होता है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम ऊपर के लेवल देख सकते हैं या नहीं। अभी फिलहाल तो यहाँ अच्छा खासा प्राइस वाइज और इंडिकेटर वाइज दिख रहा है, मगर ऊपर फिर से बाइंग सपोर्ट आती है मार्केट में या नहीं उस पर डिपेंड करेगा। अगर ऊपर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो हम फिर से जो है तो ये लो टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, और हो सकता है कि इस बार सुपर ट्रेंड भी टूट जाए, उसकी संभावना अभी फिलहाल तो कम लग रही है। मगर कह नहीं सकते आगे क्या होगा। अभी यहाँ जो है तो एक अच्छी बात है कि प्राइस पैटर्न वाइज और इंडिकेटर वाइज निफ्टी जो है तो स्ट्रांग दिख रहा है मंथली चार्ट पे, और यहाँ अर्ली रिवर्सल साइन भी दिख रहे हैं। अभी दिखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में ही उसने सिग्नल दे दिया था कि बाउंस बैक का, और ये इस वीक जो है तो हमने लगभग 4% गेन के साथ निफ्टी को लगभग 700 पॉइंट गेन्स देखे, लगभग 675 पॉइंट। और इस वीक का जो लो था वो था लगभग 16,550 के अराउंड, हाई था 17,400। तो ऑलरेडी हम 1700-1800 पॉइंट का रेंज देख चुके हैं, और एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ जो मैंने कहा था 17,650 के अराउंड हम बाउंस बैक कर सकते हैं, तो उसके तरफ जा रहा है। अभी यहाँ इंटरेस्टिंग होगा कि हम ये लेवल पार करते नहीं, अगर ये पार होता है तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि हम जो है तो ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, और 18,500 ये मिनिमम देखने को मिल सकता है अगर हम 17,650 का लेवल तोड़ देते हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर हम यहाँ से रिवर्सल देते हैं तो हमें फ्रेश लो देखने को मिलेगा आने वाले 2 से 3 महीने में निफ्टी में फिर से। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बन रही है प्राइस पैटर्न वाइज और चार्ट वाइज भी निफ्टी जो है तो मीडियम टर्म चार्ट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है। मगर नेक्स्ट वीक के लिए आपको जो है तो लॉन्ग व्यू लेके चलना है, और यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है, और टारगेट रहेगा 17,650। वो टूटता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो हमारा व्यू जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म बुलिश हो जाएगा। उस सिनेरियो में हम एक्सपेक्ट करेंगे 18,500 के टारगेट ऑन निफ्टी। यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे आपको जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो है लगभग 17,150 के अराउंड, जो है उसका 20 वीक का एवरेज। तो यहाँ और नीचे जो है तो नीचे जो मेजर पिवट पॉइंट है उसका एक सपोर्ट है, वो है 16,550 का। बीच में मल्टीपल सपोर्ट भी है जो आपको डेली और आवरली चार्ट पे देखने को मिलेंगे, मगर ये दो मेजर सपोर्ट दिखते हैं। अगर 17,150 या फिर उसके नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना चाहिए एज पर वीकली चार्ट, और जो टारगेट रहेगा वो 17,650 का रहेगा। अगर 17,650 का टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद में थोड़ा सा कॉशियस होना है और वेट एंड वॉच मोड में जाना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर बंद होते हैं तो हम लॉन्ग करेंगे एक स्विंग लॉन्ग जिसका टारगेट रहेगा 18,500। अगर वो वहाँ से रिवर्सल आता है तो आपको फ्रेश लो देखने को मिलेगा आने वाले 2 से 3 महीनों में निफ्टी पे। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है तो मोमेंटम ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, और यहाँ अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग जो है तो प्राइजेस को ऊपर पुश कर रही है। अभी निफ्टी जो बढ़ रहा है वो 17,550-650 के टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो है लगभग 17,000 का, उसके बाद में 16,800 और 16,700। इन लेवल पे अगर निफ्टी मिलता है कभी तो हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस।
और ऊपर जो टारगेट रहेंगे हमारे अगले वीक के लिए वो रहेंगे 17,550-650। ऑप्शन ट्रेडर आप 17,600 या फिर 700 का जो कॉल ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी का उस पर फोकस कर सकते हो, उसको डिप्स पे बाय करना है। आई विल मोस्टली प्रीफर लॉन्ग इन इंट्राडे, आई विल नॉट कैरी लॉन्ग पोजिशनली। हाँ, अगर मुझे निफ्टी मिलता है 17 या फिर 16,800 की तरफ तो वो लॉन्ग में कैरी करना पसंद करूंगा विद अ स्टिक स्टॉप लॉस। टारगेट सेम ही रहेंगे 17,550-17,650। अगर 650 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो हम जो है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट आता है निफ्टी के लिए वो रहेगा 17,900। और उसके बाद में अगर ये रैली फ्यूरियस हो जाती है, शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी और बिल्डअप हो जाती है तो हम 18,500 का जो लेवल है, जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, वो भी आते हुए देख सकते हैं। तो यह फिलहाल कंजर्वेटिव टारगेट मेरा जो रहेगा वो 17,550-650 के रहेंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विथ अ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.